नमस्कार दर्शकों, प्रणाम मित्रों, हमारी YouTube चैनल अनुभवी पंडित में आप सभी का आज फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है बच्चों का सुनहरा भविष्य। कैसे हम ये पक्का करें कि हमारे बच्चों का, हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, सुनहरा भविष्य हो और वो दिन रात प्रगति करते रहे, उन्नति करते रहे, आगे बढ़ते रहे, उनको कोई समस्याएं ना हो, क्योंकि सभी माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे सदैव आगे बढ़े। और जो माता पिता अभी तक नहीं बने हैं और बनने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो खास देखना चाहिए ताकि वे भी अपने भविष्य में बच्चे होंगे तो उनका भविष्य उनके जन्म से पहले ही सुनिश्चित कर सके। और आज विशेष रूप से चिल्ड्रंस डे है तो आप सभी को बहुत ही बधाई है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा कि ये आपके भविष्य के लिए है, आपकी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए है। विशेष रूप से जब भी हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो फ्यूचर प्लानिंग, ये वर्ड आता है दिमाग में। फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं कि हमारा भविष्य सिक्योर हो, सेफ हो, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इंश्योरेंस प्लानिंग करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन इन सबसे आगे सोचने की ज़रूरत है। क्यों? आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उससे आप समझ पाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्हें हम सभी जानते हैं कि बहुत ही होनहार थे, IIT में एडमिशन लेने वाले थे, इंजीनियर बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड सिलेक्ट किया, अभ्यास एजुकेशन को साइड में रख के बॉलीवुड में एंट्री की, वहाँ भी बहुत नाम मान शान कमाया। लेकिन शत्रुओं के कारण, परिस्थितियों के कारण कम उम्र में उनका निधन हो गया और बहुत ही बुरी तरह से उनकी कहानी का अंत हुआ। तो चाहे हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, लेकिन अगर उनकी जन्म कुंडली में कोई ग्रहों का दोष है तो वो ग्रहों के दोष के कारण अचानक से उनकी लाइफ में एक ऐसा बुरा मोड़ या ऐसी घटनाएं घटित होती है कि जो हम नहीं चाहते, ऐसी घटनाएं हो जाती है। चाहे बहुत ही पढ़ा लिखा बच्चा हो, फिर भी उसकी लाइफ बहुत ही बुरा मोड़ ले लेती है। अभी रिसेंटली एक ऐसी घटना घटित हुई, विराट कोहली की बेटी को एक लड़के ने ऑनलाइन धमकी दे दी, और वो लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो भी IIT में पढ़ाई करने वाला रैंकर था, लेकिन अचानक से वो अपने मन मस्तिष्क पर काबू नहीं रख पाया, उसने ऑनलाइन धमकी दे दी विराट कोहली की बेटी को। तो ग्रहों के कारण जन्म कुंडली में जब भी बच्चा जन्म लेता है, उस समय आकाश में जो ग्रहों का गोचर होता है वो जन्म कुंडली निर्धारित करता है, और वही जन्म कुंडली बच्चों का भविष्य निर्धारित करती है। अचानक किसी समय पर ग्रहों के वो असर एक्टिवेट होते हैं और बुरा परिणाम देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, सदैव उज्जवल रहे, सदैव आगे बढ़ते रहे, उनके जीवन में कोई अनचाही घटना ना हो, तो बच्चों के जन्म से पहले आपको प्लानिंग करना होगा कि बच्चे का जन्म कब हो। अब आप में से ज़्यादातर लोगों ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान बच्चों की देन है, जब भी भगवान बच्चा दे तब ले लेना चाहिए। लेकिन ये आधुनिक समय है, यहाँ पर हम ऐसा नहीं सोचते, फैमिली प्लानिंग करते हैं। तो अगर हम फैमिली प्लानिंग करते हैं, एक ही बच्चा चाहिए या दो ही बच्चे चाहिए, तो उनका भविष्य भी पहले से प्लान करना चाहिए। कैसे समय बच्चे का जन्म हो, किस दिन बच्चे का जन्म हो, किस समय बच्चे का जन्म हो, वो हम सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सीजेरियन सेक्शन से बहुत सारी डिलीवरीज सी सेक्शन से होती है, तो उसमें बच्चे का एक्यूरेट बर्थ टाइम हम डिसाइड कर पाते हैं। बहुत बार हमने देखा है एक ही दिन जन्म लेने वाले बच्चों का भी भविष्य अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर दो घंटे में
लग्न राशि परिवर्तन हो जाती है। अभी अगर मेष लग्न राशि है, 2 घंटे के बाद वृषभ लग्न राशि होगी, और ये 2 घंटे माना हर 2 घंटे पे राशि चेंज होती है वो तो है, लेकिन जब संधि काल होता है तो वहाँ पर 2-5 मिनट में भी राशि परिवर्तन होती है। समझो 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक मेष राशि है, तो 3 बजे से 5 बजे वृषभ राशि है, तो 3 बजे से 5 मिनट पहले मेष राशि है, 3 बजने से 5 मिनट बाद वृषभ राशि है, तो ये 10 मिनट संधिकाल हो गया ना। और उसका भी दृष्टांत आपको समझाता हूँ। कैप्टन विक्रम बत्रा जो कारगिल वॉर में शहीद हो गए, जिनके ऊपर शेरशाह मूवी बनी है, वो ट्विन ब्रदर्स थे। उसका जुड़वा भाई वो अभी भी जीवित है, उसने आर्मी में नहीं गया, वो शायद बैंक में नौकरी करता है। तो वो ट्विन ब्रदर्स थे, लेकिन दोनों के जन्म में 14 मिनट का अंतर था, तो 14 मिनट के अंतर में दोनों की कुंडलियां परिवर्तन हो गई और उसके कारण दोनों का भविष्य बिल्कुल ही बदल गया। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी, उसका भविष्य उज्जवल हो, तो उसके जन्म से पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए, और कॉन्सेप्शन से पहले भी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु की एक्सिस के बीच में जब सब ग्रह आ जाते हैं तो लगभग 6 महीने तक काल सर्प दोष का निर्माण होता है, जो हमने 2020 में भी देखा और अभी 2021-2022 में भी हम देखने वाले हैं। तो ऐसे काल सर्प दोष जैसे अवकाशीय ग्रहों के गोचर की अनचाही घटनाओं से हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहिए। उसी तरह से जब बड़े बड़े ग्रह नीच राशि से गोचर कर रहे हो, जैसे गुरु, वो अगर मकर राशि नीच राशि से गोचर कर रहा है, शनिदेव जब नीच राशि मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, सूर्यदेव जब नीच राशि तुला राशि से गोचर करते हो, ऐसे समय बच्चों का जन्म हमें अवॉइड करना चाहिए। और कौन सा समय ज़्यादा सही है वो डिसाइड करने के लिए बहुत ही डिटेल्ड हम एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इस विषय पर हमसे परामर्श लिया है, कंसल्टेशन लिया है, और बच्चे के जन्म के बाद वो बहुत ही खुश है कि उनका बच्चा उनकी इच्छा अनुसार जो समय निर्धारित किया उसी समय पर बच्चे का जन्म हुआ, और जन्म के बाद भी बच्चे के लक्षण बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। कहावत है कि बहू के लक्षण घर में प्रवेश करते ही पता चल जाते हैं, और बच्चे के लक्षण झूलने में झूलते हुए भी पता चल जाते हैं। तो बचपन से ही पता चल जाता है ये बच्चा भविष्य में आगे जाके क्या करेगा। तो और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के पितामह माने वाले, ज्योतिष शास्त्र के पितामह माने जाने वाले महर्षि पराशर ने जब वेद व्यास को जन्म दिया, तब भी उन्होंने ग्रहों के गोचर को देख करके समय को पसंद किया था। उसी प्रकार त्रिदेवों में देवों के देव महादेव माने जाने वाले भगवान शिव, भगवान शंकर ने जब अपना प्रथम पुत्र प्राप्त किया कार्तिकेय, तब भी उन्होंने सही ग्रहों के गोचर का इंतजार किया और उसी के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। उस समय बहुत बड़े बड़े असुर देवताओं को परेशान कर रहे थे और सभी देवताएं चाह रहे थे कि हे महादेव, अब आप इसका निराकरण कीजिए। और उस समय कहा गया था कि भगवान शिव का पुत्र ही इस असुर का संहार करेगा, ये भविष्यवाणी की गई थी। फिर भी भगवान शिव ने कोई जल्दबाजी नहीं की कि कभी भी उनका बच्चा जन्म होगा तो वो असुरों का संहार करेगा, नहीं। भगवान शिव भी ज्योतिष जानते थे और ज्योतिष के ग्रंथों का ज्ञान भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को भी दिया था, और कार्तिकेय का जन्म भी उन्होंने ग्रहों के गोचर को देख के सही समय आने पर ही किया। माता सती, माता पार्वती से पहले भगवान शिव का विवाह हुआ था माता सती के साथ,
तो माता सती का भविष्य भी वो जानते थे और चाहते थे कि उनका बचाव हो, उनकी रक्षा हो। इसलिए जब माता सती को उनके पिता ने आमंत्रण दिया था प्रजापति ने, तो माता सती को भगवान शिव ने मना किया था कि मत जाओ, लेकिन माता सती ने बात नहीं मानी और वो उस यज्ञ में सम्मिलित हुई और वहाँ भगवान शिव का प्रजापति ने अपमान किया और उस अपमान से द्रवित होके दुखी होके माता सती ने अग्नि स्नान किया, अपने प्राण दे दिए। तो भगवान शिव ज्योतिष के बारे में जानते थे और ग्रहों के गोचर के बारे में जानते थे, इसीलिए वो मना कर रहे थे। तो ज्योतिष का प्रभाव सभी मनुष्यों पर भी पड़ता है, देवताओं के ऊपर भी पड़ता है। ज्योतिष और ग्रहों के गोचर के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही सुखी हो, खुश हो, उनकी उत्तरोत्तर प्रगति हो, तो उसके लिए उनके जन्म से पहले हमें प्लानिंग करना होगा कौन से वर्ष में उनका जन्म हो, कौन से महीने में, कौन से दिन, और उसमें भी पर्टिकुलरली कितने बजे जन्म हो, ये हम डिसाइड करके ही प्लानिंग करें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य श्रेष्ठ हो। इस विषय पर हमने एक और वीडियो भी पहले बनाया हुआ था प्रेगनेंसी के बारे में, कि हमारे क्लाइंट थे, उनको उनकी पत्नी को बताया गया था कि मेनोपॉज शुरू हो चुका है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती नेचुरली। लेकिन जब उन्होंने हमसे कंसल्ट किया तो हमने बताया कि बिल्कुल वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती है और उसके उपाय हमने उनको बताए और वो उपाय ज्योतिषीय उपाय करके नेचुरली वो कंसीव हुए और उनके वो बच्चा भी हुआ। तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही गहन ज्ञान है और उस गहन ज्ञान के आधार पर हम ये असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य श्रेष्ठ हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.anubhavipandit.com। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियोस की लिंक्स है, आपके पसंदीदा सब्जेक्ट के वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त होते रहे। आप हमारे लाइव एस्ट्रोलॉजी सेशन में जुड़ करके हमसे लाइव एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी प्राप्त कर सकते हैं और उसमें अग्रिमता पाने के लिए चैनल के पेड मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मंथली सब्सक्रिप्शन फी केवल 199 रुपीस है। पर्सनल कंसल्टेशन, टेलीफोनिक कंसल्टेशन के लिए आप वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपके प्रतिभाव हमें अवश्य दीजिए कमेंट्स करके। साथ ही ऊपर आई बटन पर जो लिंक्स दी गई है उसके द्वारा आपके पसंदीदा वीडियोज आप देख सकते हैं, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपकी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होगा। इसी जानकारी के साथ यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। आपके प्रतिभाव हमें अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार और एक बार फिर से हैप्पी चिल्ड्रंस डे।